उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। कनाडा का भारत से 62 में से 41 सिफारतकार वापस बुलाने का ऐलान। ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस चीफ की हरदीप सिंह के कत्ल में राह के मुलविस होने की तस्दीक। गजा के अस्पताल में हमला, कनाडा की अमरीकी मां कब से अलहदगी। ट्रूडो हमले के बारे में अमरीकी बयान को तस्लीम करने को तैयार नहीं। हजारों कैनेडियंस को जल्द ही लिबनान छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। कनाडा के शहर टोरंटो में सर्दी बढ़ने का इम्कान। वीकेंड पर शहरी सर्द मौसम का सामना करेंगे। इतवार की रात दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा महसूस होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस और हमास को दुनिया के लिए खतरा करार दे दिया। जो बाइडन ने गजा जंग को यूक्रेन से जोड़ दिया। अमरीकी सदर का कहना था कि हम तारीख के एक नाजुक मोड़ पर हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल कर लेते हैं खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, PNP एंड PR वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto immigration. Canadian Vazir Azam Justin Trudeau ne kaha hai ki Canadian hukam abhi bhi Gaza ke aspatal mein hone wale dhamake ke bare mein shawahid ka jaiza le rahe hain. Mazid ahwal is report mein. Canadian Vazir Azam Justin Trudeau ne kaha hai ki Canadian hukam abhi bhi Gaza ke aspatal mein hone wale dhamake ke bare mein shawahid ka jaiza le rahe hain, jisme bahut se Palestini shahri shaheed aur zakhmi hue the, aur wo ye batane ko taiyar nahi hain ki kaun zimmedar hai. ये अमरीकी सदर जो बाइडन और अमरीकी कौमी सलामती की खदमात ने धमाके के बारे में जो कहा इससे अलग है। ऑटावा में मैं कैबिनेट रहनुमाओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने ऐसे वाकयात के इजरायली वर्जन को कबूल किया है जिसकी अमरीकी हुकूमत ने तौसी की है, तो उनका कहना था कि हम इत्तेहादियों के साथ मिलकर इस बात का तायुन करने के लिए काम कर रहे हैं कि क्या हुआ। इजरायली फौज ने कहा कि धमाके के पीछे फलस्तीनी अस्करियत पसंदों की जानिब से फायर किए गए एक रॉकेट का हाथ था। हमास ने उस धमाके का जिम्मेदार इजरायली फिजाई हमले को करार दिया। ट्रूडो ने फ्रांसीसी जबान में कहा, हमने कुछ इब्तदाई शवाहिद देखे हैं, लेकिन हम किसी भी ठोस और हतमी नतीजे पर पहुँचने से पहले अपने इत्तेहादियों के साथ जल्द से जल्द काम करते रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि यहाँ कनाडा में बहुत से कम्युनिटी ज़ाती तौर पर शदीद तरीके से मुतासर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा हर चीज़ को गौर से देखने के लिए ज़रूरी वक्त निकाल रहा है, ये कहने से पहले कि इसका ख्याल है कि मंगल को गजा शहर में एंग्लिकन चर्च के जेर इंतज़ाम चलने वाली सहूलत में क्या हुआ। वजीर खारजा मेलानिया जुली ने कहा कि गजा में जो कुछ हुआ बिल्कुल तबाहकुन है। फलस्तीनी शहरी इजरायली शहरी बराबर हैं और उनका तहफ्फुज़ होना चाहिए। जुली ने ट्रूडो के पहले बयान की तरफ इशारा किया कि कनाडा कतई तौर पर यह कहने को तैयार नहीं है कि धमाका किसने किया। दूसरी जानिब टोरंटो के पुलिस चीफ का कहना है कि हमास के 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के बाद से तकरीबन 2 हफ्तों में क्राइम कॉल्स में 132% इजाफा हुआ। जुमेरात को टोरंटो पुलिस सर्विस बोर्ड की मीटिंग के दौरान चीफ मायरन डैमकियो ने कहा कि नफरत पर मबनी जराइम से मुतालिक 14 कॉलें 7 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के दरमियान की गई। उन्होंने बोर्ड को बताया कि ये नफरत अंगेज वाकयात में इजाफे की अक्कासी करता है और आवाम तनाव में भी इजाफा हुआ है। वफाकी हुकूमत कनाडा के शहरियों को तनबीह कर रही है कि वो लबनान के तमाम सफर से गुरेज करें और मुल्क में पहले से मौजूद लोगों को अब वहाँ से निकल जाने को कह रहे हैं, क्योंकि इसराइल और गजा में बहरान बढ़ता जा रहा है और खदशात बढ़ते जा रहे हैं कि तनाजा सरहद पर फैल सकता है। कनाडा के शहर टोरंटो में सर्दी बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर निस्बतन कलील मुद्दती होगी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
कनाडा के शहर टोरंटो में सर्दी बढ़ने का इम्कान है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि हो सकता है कि टोरंटो के शहरी इस हफ्ते अपनी मोटी मौसम सरमा की जैकेट को स्टोरेज से निकालना चाहें, क्योंकि टोरंटो में दर्जा हरारत अंजुमात से नीचे महसूस होता है, जो मौसम सरमा की तरह का पहला धमाका होता है। शहर में अब तक निस्बतन हल्का मौसम खिजा रहा है, जिसमें दिन के वक्त दर्जा हरारत ज्यादातर 15 डिग्री सेंटीग्रेड के इर्द गिर्द रहा। ताहम ये सब कुछ इस आने वाले वीकेंड को तब्दील करने के लिए तैयार है। साथ दिन की रात की पेशन गोई के मुताबिक टोरंटो में जुमे को दिन के वक्त दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड और रात को कम से कम 7 सेंटीग्रेड देखा जाएगा। इसी मौसम के मुताबिक जो हम गुज़िश्ता चंद हफ्तों से देख रहे हैं, हफ्ते को रात के वक्त दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, जब ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड की तरह महसूस होगा, लेकिन दिन फिर भी गर्म रहेगा और ज्यादा से ज्यादा 14 सेंटीग्रेड होगा। इतवार का दिन है जब दर्जा हरारत वाकई ठंडा हो जाएगा। रात के वक्त कम दर्जा हरारत -2 सेंटीग्रेड से नीचे का महसूस होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर निस्बतन कलील मुद्दती होगी, क्योंकि पीर को दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ेगा, जब टोरंटो में दिन के वक्त ज्यादा से ज्यादा 12 सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई की गई है। हफ्ते के बाकी हिस्सों में हल्के से गर्म दर्जा हरारत जारी रहने की तवक्को है। मंगल को दिन के वक्त ज्यादा से ज्यादा 15 सेंटीग्रेड और बुध को 17 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस और हमास को दुनिया के लिए खतरा करार दे दिया और कहा, हम हमास और प्यूतिन को जीतने नहीं देंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस और हमास को दुनिया के लिए खतरा करार दे दिया और कहा, हम हमास और प्यूतिन को जीतने नहीं देंगे। जो बाइडन ने कहा कि हम हमास और प्यूतिन को जीतने नहीं देंगे। हमास और प्यूतिन दोनों से दुनिया को खतरात हैं। दोनों में ये कदर मुश्तरक है कि वो मुल्कों की जमहूरियत को तबाह करना चाहते हैं। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन को हमास के साथ साथ रूस से भी खतरा महसूस होने लगा। ओवल ऑफिस से कौम से खिताब में अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस और हमास को दुनिया के लिए खतरा करार दे दिया। जो बाइडन ने इसराइल और यूक्रेन की जंगों में कामयाबी को अमरीका की कौमी सलामती के लिए अहम करार दे दिया और कांग्रेस से दोनों मुल्कों के लिए $100 अरब की फौजी इमदाद का मुतालबा किया। अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीकी क्यादत दुनिया को यकजा रखती है, हम तारीख के एक नाजुक मोड़ पर हैं और आज हम जो फैसला करते हैं उनमें से एक आने वाली दहाइयों के मुस्तकबिल का तायुन करेगा। बाइडन ने हमास और प्यूतिन दोनों को दहशतगर्दी का खतरा करार दिया है। हमास भी अलकायदा और दाइश की तरह इसराइल का बना हुआ दुश्मन है, जबकि प्यूतिन न्यू वर्ल्ड अलायंस की नुमाइंदगी करते हैं। मशरिक और मगरब के दरमियान तहजीबों के तसादुम का मरहला तय किया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा जंग को यूक्रेन से जोड़ दिया। रूसी सदर प्यूतिन का हमास से मवासना भी किया, जबकि इसराइल और यूक्रेन के लिए कांग्रेस से मजीद फंडिंग मांग ली। उन्होंने कहा कि फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से भी बात की। फलस्तीनियों की जिंदगी के अलमनाक नुकसान से दिल शिकस्ता हूँ। गजा अस्पताल में होने वाला धमाका इसराइलियों ने नहीं किया था। सदर जो बाइडन ने कहा, हम मासूम फलस्तीनियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो सिर्फ अमन के साथ रहना चाहते हैं। हमास और प्यूतिन मुख्तलिफ खतरात की नुमाइंदगी करते हैं। जो बाइडन ने कहा, गजा के लोगों को खुराक, पानी और अद्वियात की फौरी ज़रूरत है। गजा में फलस्तीनी शहरियों के लिए इंसानी इमदाद की पहली खेप के लिए मुआहदा किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि हमास चोरी ना करे तो फलस्तीनियों के लिए इमदाद की मुसलसल फराहमी का एक खुला रास्ता फराहम करेंगे। हम अमन और दो रियासती हल से दस्तबरदार नहीं हो सकते। इजरायली और फलस्तीनी यकसां तौर पर तहफ्फुज, वक़ार और अमन के साथ रहने के मुस्तहिक हैं। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।